हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। देखिए, हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, नेक बिल्कुल फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है और हमारा इस तरीके से कहीं पर भी क्रीज नहीं है। अगर आप भी इस तरीके की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस कुर्ती की कटिंग हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। इसमें हमने स्लीव्स में फ्रिल को अटैच किया है। अगर आप इसमें अपनी कुर्ती के नेक को बड़ा रखना चाहते हैं तो नीचे से बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे ब्रॉड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे इस तरीके से ब्रॉड भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे इसकी लेंथ और ब्रॉडनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। उस कुर्ती की हम इस वीडियो में स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो कुर्ती की स्टिचिंग शुरू करने से पहले हमने पिछली वीडियो में अपनी कुर्ती की जो स्लीव्स है उसे कट नहीं किया था, इसीलिए सबसे पहले हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो मैं आपको आज स्लीव्स का फर्मा कटिंग करना पहले बताऊंगी। इस स्लीव्स के फर्मे को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि जब भी हम अपने किसी भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे या फिर किसी सूट की कटिंग करेंगे तो इस स्लीव्स के फर्मे के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी सभी स्लीव्स को कट करना होगा। इस स्लीव्स के फर्मे के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी सभी साइजेस के स्लीव्स हम कट कर पाएंगे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ईजीली आपकी जो स्लीव्स है वो कट हो जाएगी। मैंने आपको अपने चैनल पर एक टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा किस तरीके से कट किया जाता है वो पिछली वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में हम जो हमारी रेगुलर स्लीव्स होती है उसकी कटिंग करेंगे। टी शर्ट स्लीव्स और रेगुलर स्लीव्स में क्या अंतर होता है? जो टी शर्ट स्लीव्स होती है उसमें हमारा बैक और फ्रंट आर्म होल दोनों सेम होते हैं, बट जो हमारी रेगुलर स्लीव्स होती है उसमें हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों अलग अलग रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। और टी शर्ट स्लीव्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी स्लीव्स को कट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रीज है वो बिल्कुल भी नहीं आता, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम उसे पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फिटिंग होता है। बट अगर आप रेगुलर स्लीव्स के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपको हाथ ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील होगा। इसीलिए हमें जब भी ब्लाउज या कुर्ती में स्लीव्स को कट करेंगे तो हम रेगुलर स्लीव से ही कट करेंगे। अगर आप ज़्यादा फिटिंग की स्लीव्स चाहते हैं तो आप अपनी टी शर्ट स्लीव्स के फर्मे से भी उसे कट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्लीव्स अपनी कुर्ती या ब्लाउज में चाहिए। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम 12 इंच की लेंथ लेंगे। आप इसी लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स का फर्मा कट करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इसमें लेंथ कम या ज़्यादा करनी होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बाद में सेट कर पाएंगे। हमने ये 12 इंचेस की इस तरीके से मार्किंग करनी है, ये हमारी लेंथ वाली मार्किंग होगी। इसके बाद में नीचे भी हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हम दोनों लाइंस को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें अपने आर्म होल के शेप को देने के लिए एक मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 10 इंचेस पर एक मार्क करना है। इस तरीके से 10 इंच पर मार्क करना है। आप इसी साइज़ के अकॉर्डिंग, जिस साइज़ में मैं आपको बता रही हूँ इसी साइज़ के अकॉर्डिंग फर्मा कट कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ कम या ज़्यादा करनी है तो आप कर पाएंगे, और अगर आपके आर्म होल आपको सेट करना हो तो इस फर्मे से हम किस तरीके से कटिंग करेंगे ये मैं आपको जब अपनी कुर्ती की स्लीव्स कट करूँगी तब मैं आपको उसमें बता दूँगी किस तरीके से आपको इसे सेट करना है। अभी सिर्फ हम स्लीव्स का फर्मा कट करेंगे। यहाँ से भी हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग्स को हमें इस तरीके से आपस में मिला देना है। अब जहाँ से आपको अपने आर्म होल का शेप देना है वहाँ से आपको अंदर की तरफ 4 इंच आना है। हम इधर से अपनी स्लीव्स के आर्म होल का शेप देंगे तो 4 इंच हमें अंदर की तरफ आना है। उसके बाद में जहाँ पर आपने 4 इंच की मार्किंग की है वहाँ से आपको 2 इंच ऊपर की तरफ आना है। इस तरीके से 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। यहाँ से भी हम एक 4 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। अब आपको जहाँ पर आपने ये मार्किंग की है इस मार्किंग को आपके ऊपर वाले कॉर्नर की जो लेंथ की मार्किंग है वहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। जो आप 2 इंच ऊपर गए हैं उस वाली मार्किंग को आपको ऊपर मिलाना है। इस तरीके से हमने इसे मिलाया है। अब आपको
यहाँ से अपने आर्म होल का शेप देना है। तो आप अपने आर्म होल का शेप देने के लिए जो आपकी ये लाइन है, सबसे पहले आप अपनी इस लाइन का हाफ करेंगे। 9 इंच हमारी ये लाइन है तो हम इसका 4.5 करेंगे और सेंटर पर एक मार्किंग कर देंगे। अब हमारी जो ये नीचे वाली लाइन है, इन दोनों लाइंस का भी हमें सेंटर निकालना है। इस तरीके से आप इंची टेप को फोल्ड करते हुए भी सेंटर को निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी सेंटर वाली लाइन आपने मार्क की है, वहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ आना है। अब आपको यहाँ से लेकर इस लाइन जो आपने तीनों पॉइंट्स किए हैं वहाँ तक आपको अपने राउंड शेप को ड्रॉ करना है। और जो आपने यहाँ 4 इंच पर मार्क किया था, यहाँ से आपको 0.75 बाहर की तरफ आना है और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। अब जब आप अपने आर्म होल का शेप देंगे तो आपको अपने शेप को यहाँ पर मिलाना है। पहले आप ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है 2 इंच की, इसे स्ट्रेट कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ सके। इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे, तो हम अभी चौक से शेप देंगे ताकि हमारा शेप बिल्कुल प्रॉपर निकल कर आए। उसके बाद में हम मार्कर से इसे डार्क कर देंगे। इस तरीके से जो आपकी 1/2 इंच की मार्किंग है, ऊपर से मिलाते हुए आपको ये शेप नीचे तक लाना है। और ये जो आपने अंदर 0.75 आप अंदर आए थे वहाँ पर, इसे आपको इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से ये हमने अपना बैक आर्म होल ड्रॉ किया है। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए आपने जो ये बैक आर्म होल ड्रॉ किया है, इससे आपको सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग 0.25 इंच के गैप में ही आपको इस तरीके से एक और शेप ड्रॉ कर लेना है। बाकी की पूरी मार्किंग्स हमारी सेम होगी। इसे भी हमें इसी तरीके से नीचे तक ले जाते हुए मिला देना है। तो जो हमारी ये अंदर वाली लाइन होगी, ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए होगी, और जो पीछे वाली लाइन है हमारी, ये बैक आर्म होल के लिए होगी। अब आपको यहाँ से अपने स्लीव राउंड का शेप देना है। तो हम इसे रेगुलर स्लीव से हमारी, तो इसे हमें अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग हम बाद में सेट करेंगे, तब देख लेंगे कम या ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे, और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था तो 2 इंच के मार्जिन पर भी हम मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब आपके जो ये मार्जिन है उसे आपको मार्जिन के साथ मिला देना है। जो आपकी ये आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से आपको इसे मिलाना है। इस तरीके से इसे इसके साथ मिला लेना है, और ऊपर वाली जो मार्किंग है उसे आपको इस तरीके से फिटिंग वाली मार्किंग के साथ मिला लेना है। अब मैं आपको आपका जो हमारा जो आर्म होल है इसे डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ सके। ये हमारा बैक आर्म होल है। और ये जो हमने ड्रॉ किया था ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। ऊपर हमारा ये प्रॉपर कॉर्नर पर ही मिल जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी रेगुलर स्लीव्स की कटिंग की है। इस स्लीव्स को आप अपनी कुर्ती में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने ब्लाउज का फर्मा कट करते हैं तो आप इसे ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको भी अपने स्लीव्स का फर्मा कट करके रख लेना है, क्योंकि हमें हर जगह पर ये फर्मा काम आने वाला है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा बैक आर्म होल है, पहले हमें उसकी कटिंग करनी है। बहुत ही इजीली आपकी ये कट हो जाती है, इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इसे एक बार कट कर लेंगे तो आपको बार बार स्लीव्स के फर्मे को कट करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप एक बार में इसे कट करके ज़रूर रखें। और आप इसे थोड़े से मोटे कागज़ पर या फिर पॉली बैग या फिर कपड़े के बैग पर कट करके रखेंगे तो आपका
ये फर्मा ख़राब भी नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे किसी पर भी कट करके रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपना ये फर्मा जो है इस तरीके से मोटे ड्राइंग शीट पर हमने इसे कट किया है, इसी तरीके से आप मोटे ड्राइंग शीट पर भी कट कर सकते हैं। अब आपको इसे ओपन करना है और जो आपका अपना फ्रंट आर्म होल का आपने शेप दिया था इसे भी हम कट कर लेंगे। ये फर्मा हमें हमारा जो आर्म होल का शेप है प्रॉपर शेप देने में मदद करेगा। इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपनी कुर्ती की स्लीव्स को कट करना होगा। अब हमें अपनी बोटनेक कुर्ती की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से जो हमने नेक कैनवास पर कट किया था उसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट किया है इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और कॉर्नर पर स्टिचिंग कर देनी है। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमें अपने दोनों नेक को तैयार करना है। दूसरे नेक में भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों नेक को तैयार कर लिया है। अब हमें इसे कुर्ती पर स्टिच करना है। इस तरीके से हमें अपने कुर्ती के फ्रंट या बैक किसी भी पार्ट को लेना है और इस तरीके से इसके सेंटर पर एक मार्किंग करनी है। हमारे दोनों नेक बराबर ही हमने कट किए हैं इसीलिए आप कोई भी नेक किसी भी साइड पर स्टिच कर सकते हैं। हमें अपने कैनवास वाले नेक का भी इस तरीके से सेंटर निकालना है और हमारी कुर्ती का भी एक सेंटर मार्क कर लेना है। इसके बाद में हमें दोनों के सेंटर मिलाते हुए इन्हें रखना है। इस तरीके से हम सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर मिलाते हुए रखने के बाद में हमें इस पर पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद हमें दोनों शोल्डर्स को चेक करना है। हमारे दोनों शोल्डर्स बराबरी से होने चाहिए। अगर आपके शोल्डर बराबर ना हो तो आप इन्हें सेट करके फिर से सेट करके बराबर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे ये दोनों शोल्डर्स 3.25 के बराबरी से आ गए हैं। अब हमारी जो हमने नेक की मार्किंग की हुई है उसी मार्किंग पर सेम हमें स्टिच करना है। हमें मार्किंग पर ही स्टिच करनी है। बिल्कुल हमारा जो जिस शेप में हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है उसी नेक पर आपको स्टिच करते जाना है। इस तरीके से पूरे नेक पर स्टिच करने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर हम अंदर वाले सभी फैब्रिक को इसमें से कट कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसे कट करना है। अगर आप इस तरीके से नेक बनाकर तैयार करेंगे तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। इस तरीके से कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इस तरीके के कट आप जहाँ पर भी स्टिच जब भी आप स्टिच करते हैं तो इस तरीके के कट जहाँ पर भी आपकी गोलाई आती है वहाँ आपको इस तरीके के कट लगाना ज़रूरी है। कट लगाने से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमें अपने कैनवास को अंदर की तरफ पलटना है और जो इसका सारा मार्जिन है उसे हमें अपने कैनवास की साइड में रखना है और इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक पर हमें कॉर्नर पर धार स्टिच लगानी है। इस तरीके से हमने अपने नेक पर धार स्टिच लगाई है। अब आपको इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेना है। जिस तरीके से हमने इस नेक को तैयार किया है इसी तरीके से हमें अपने दूसरे साइड के नेक को भी स्टिच करना है। इसे हम पिनअप करने से पहले ही इसके दोनों शोल्डर्स को मेज़र कर लेंगे और हमारे शोल्डर्स को बराबर कर इसे इस तरीके से पिनअप करके इसे भी स्टिच करना है। हमने जहाँ पर अपने नेक की मार्किंग की है वहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है।
और हमारी स्टिचिंग इस पर आप चाहें तो दो बार भी स्टिच कर सकते हैं ताकि हमारे नेक की स्टिचिंग अच्छी तरह से हो जाए। इसकी स्टिचिंग करने के बाद इसे भी हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट कर देंगे। इसे स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रॉपर मार्किंग है वहीं पर आपकी स्टिच आनी चाहिए। इसके बाद में इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, पूरा नेक पर हमें इसी तरीके से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे और सारा मार्जिन हमारा हमें कैनवास की तरफ लेना है और इस पर भी धार स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से पूरा नेक पर धार स्टिच लगाने के बाद इसे भी हमें प्रेस करके सेट कर लेना है। पीछे की तरफ हम पलटेंगे और इस पर प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दोनों नेक बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें इसमें साइड टक्स डालने हैं। जहाँ पर हमने अपने टक्स की मार्किंग की थी, इस टक्स की मार्किंग को हमें उल्टी साइड में लेना है और दोनों साइड में हमें टक्स को मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम अपने इस टक्स को डार्क करेंगे तो इसकी मार्किंग हमारी दूसरी साइड पर भी चली जाएगी। इस मार्किंग को हमें हमारी दूसरी वाली साइड पर भी लेना है और दोनों साइड में हम टक्स को मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने आर्महोल वाले डार्ट को भी मार्क करेंगे। अगर आप बिना टक्स की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो बिना टक्स की कुर्ती भी बना सकते हैं। अगर आपके चेस्ट ज़्यादा हैवी है और आपको टक्स लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें टक्स लगा सकते हैं, पर अगर आप बिना टक्स की कुर्ती बनाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आती है। आप अपने हिसाब से इसे देख लें कि आपको किस तरीके की कुर्ती बनानी है। इस तरीके से हमें दूसरी साइड में भी अपने टक्स को मार्क कर लेना है। अब हमें इन टक्स की स्टिचिंग करनी है। तो जितनी जो आपने मार्किंग की है उस मार्किंग का जो सेंटर वाली लाइन है उस सेंटर वाली लाइन से हमें इसे फोल्ड करना है और जो हमारी दोनों आइट साइड की लाइन है दोनों को आपस में मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेना है। डार्ट्स को स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। जहाँ पर आपको स्टिचिंग अपनी ख़त्म करनी है उससे थोड़ी सी पहले ही आपको स्ट्रेट जो सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है जिससे कि हमारा पॉइंट ना बने। इसी तरीके से आपको अपने चारों डार्ट्स को स्टिच कर लेना है। डार्ट लगाने से जहाँ हमारा चेस्ट पॉइंट आता है वहाँ पर थोड़ा सा पफ क्रिएट हो जाता है। इस पफ की वजह से जो हमारे चेस्ट में हमारी कुर्ती है परफेक्टली फिट हो जाती है, इसीलिए डार्ट लगाने से हमारी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हमने डार्ट लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर हमारा पफ क्रिएट हुआ है। तो हमारा जब हम कुर्ती को वियर करेंगे तो हमारी चेस्ट साइज से बिल्कुल परफेक्टली ये फिट होगी। अब हमें अपनी जो नेक है उसमें प्रेस लगाकर इसे सेट करना है। दोनों साइड के नेक को हम इसी तरीके से प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे। हमें अपनी कुर्ती के टक्स को भी प्रेस लगाकर सेट करना है। तो जब भी आप अपने टक्स को प्रेस लगाकर सेट करेंगे तो आपका जो टक्स है उसके सेंटर में आपको इस तरीके से छोटा कट लगा देना है। जितने भी आपके टक्स है सभी में आपको कट लगा देना है। उसके बाद में आपको इस पर प्रेस लगानी है। इस तरीके से प्रेस से सेट करने के बाद में हमें अपने कुर्ती के शोल्डर्स को जॉइन करना है। तो आपके फ्रंट और बैक पार्ट को आप इस तरीके से रखें और दोनों के शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। दोनों शोल्डर्स को हमें नेक वाली साइड से बिल्कुल बराबरी से मिलाकर रखना है। उसके बाद ही हमें इसके ऊपर स्टिच करनी है। जहाँ से हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको पक्का कर देना है और जहाँ पर आपको अपनी स्टिचिंग ख़त्म करनी है वहाँ पर भी हम सिलाई से पक्का कर देंगे। शोल्डर्स में हमें दो बार स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से शोल्डर पर स्टिच करने के बाद में जो हमारा सभी मार्जिन है स्टिचिंग का उसे हमें अपने बैक पार्ट की तरफ लेकर जाना है और हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसे सिलाई लगाकर स्टिच कर देना है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरी साइड के शोल्डर्स को भी जॉइन कर लेना है और इसका भी मार्जिन हमें बैक साइड पर लेते हुए स्टिच करना है। अब इसे भी हम बैक साइड में ले जाएंगे और इसका जो मार्जिन है उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है। अब हमें अपनी स्लीव्स को कटिंग करना है। तो स्लीव्स को कट करने के लिए हमने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करके रखा है। अब आपको आपके स्लीव्स का फरमा लेना है और जितनी भी लंबी आपको अपनी स्लीव्स रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हैं
और इसमें से हमें सिर्फ अपने आर्म होल के शेप को लेना होगा। हमें अपना जो फुल फैब्रिक है, पूरे फैब्रिक में जितनी भी स्लीव्स की लेंथ हमारी आएगी उतनी रखनी है। तो इस तरीके से हम कॉर्नर पर इसे रखेंगे और जो हमारा स्लीव्स का शेप है उसे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से बैक साइड का मार्किंग करने के बाद में आपको स्लीव्स को ओपन करना है और जो हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है उसे भी हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे और हमारे फ्रंट आर्म होल को भी मार्क करेंगे। इस तरीके से शेप को मार्क करने के बाद में आपको अपनी कुर्ती को लेना है और हमें अपनी कुर्ती में अपने आर्म होल को मेज़र करना है कि कितना हमारा आर्म होल इसमें आया है। पहले हमें फ्रंट आर्म होल को मेज़र करना है, उसके बाद में हम उसी तरीके से अपने बैक आर्म होल को भी मेज़र करेंगे। हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो 11.5 इंच पर आया है। अब हम अपने बैक आर्म होल को भी मार्क करेंगे। बैक आर्म होल भी हमारा इसी के बराबर आया है। हमारे जो दोनों आर्म होल है अलग अलग भी आ सकते हैं, इसमें हमारे दोनों सेम ही आए हैं। तो इस तरीके से हम पहले अपने बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद में आप अपने फ्रंट आर्म होल की भी इसी तरीके से मार्किंग करें। और अगर आपका इन दोनों की मार्किंग मेज़रमेंट में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है वहाँ पर आपको सेंटर मार्क करना है और वहाँ से अपने स्लीव्स की आपको मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने अपने आर्म होल को मार्क कर लिया है। हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इसके बाद में आपको कुर्ती में जितना मार्जिन लिया है वो देख लेना है। और ऊपर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो ऊपर हम इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब हमें दूसरी साइड में अपने स्लीव राउंड की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका स्लीव राउंड आया है उस पर आप मार्क कर लें और 1.5 इंच मार्जिन का मार्क कर दें। हमारा जो स्लीव राउंड है वो 11 इंच का है, इसीलिए हमने इस तरीके से 5.5 इंच पर मार्किंग की है और नीचे से 1.5 इंच मार्जिन पर मार्क किया है। अब हमें इस तरीके से हमारी मेन लाइन को मेन लाइन के साथ मिला देना है और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाएंगे। जो भी आपकी मार्किंग होगी उस मार्किंग पर आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दोनों लाइन्स को आपस में मिला लेना है। इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो मार्किंग हमने की है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम इसके बैक आर्म होल को कट करेंगे। जहाँ पर हमारी स्लीव्स का सेंटर है वहाँ पर हमें इस तरीके से छोटा सा कट लगाना है। अब हमारी स्लीव्स को हमें ओपन करना है और इसका जो फ्रंट आर्म होल हमने मार्क किया था उसे भी हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे अपनी कुर्ती में अटैच करना है। अगर आपको अपनी स्लीव्स को प्लेन रखना है तो इस तरीके से पहले आपको कॉर्नर वाले साइड से 1/2 इंच का 2 बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से आपको अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच करना है। अब हमें अपनी कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। हमें अपनी कुर्ती में स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल को फ्रंट साइड में ही स्टिच करना है और बैक आर्म होल को बैक साइड में लेते हुए स्टिच करना है। और हमें स्लीव्स को हमेशा सेंटर वाली साइड से ही स्टिच करना स्टार्ट करना है। पहले हम हाफ स्लीव्स को एक साइड से स्टिच करेंगे और हाफ स्लीव्स को हम दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम अपने शोल्डर का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर मिलाते हुए पहले एक साइड से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी जो स्लीव्स हमने कट की है हमारी प्रॉपर इसके साथ में बराबरी से ही कट हुई है, ज़रा सा भी ज़्यादा या कम नहीं है। इसीलिए ये जो हमारा स्लीव्स का फर्मा है बहुत ही काम आता है। अगर आप इस तरीके का फर्मा बना के रखते हैं तो आपको बार बार स्लीव्स को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी प्रॉपर जो स्लीव्स है वो कट होकर निकल आएगी। इस स्लीव्स के फर्मे को आप अपने ब्लाउज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती में सिंपल स्लीव्स को अटैच किया है, बट हमें अपनी कुर्ती में फ्रिल वाली स्लीव्स को अटैच करना है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फ्रिल वाली स्लीव्स को किस तरीके से कट करना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से अपनी सर्कल स्लीव्स की कटिंग मार्किंग की है। तो ये मार्किंग हमने किस तरीके से की है, सबसे पहले तो आपका जो स्लीव राउंड है मार्जिन के साथ जितना आया है उसे आपको मेज़र करना है। इसके बाद में आपको इसे फोल्ड किस तरीके से करना है, जितनी भी आपको अपनी फ्रिल की लेंथ रखनी है वहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क करना है। मैं आपको इसे पेपर पर समझाती हूँ।
सबसे पहले तो आपको यहाँ से 6 इंच पर एक मार्क करना है और जो हमारे बीच का गैप है ये 7 इंच पर है। हमारा जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है 4 फोल्ड में किया है तो हमारी 2 स्लीव्स इसमें आराम से निकल जाएगी। हमारा 7 का 14 हमारा डबल हो जाएगा तो हमारा 1 स्लीव उसमें पूरा इसका सर्कल कम्प्लीटली आ जाएगा। पहले हम इस तरीके से 6 इंच पर अपनी फ्रिल का मार्क करेंगे। इसके बाद में यहाँ से आगे तक हमें 7 इंच पर एक मार्किंग करनी है। अब हम इसे जो हमारी दोनों मार्किंग्स है दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको अपने फैब्रिक को सेट करना है। इसके बाद में जो भी हमारा स्लीव राउंड आया था हमारा 14 इंच का स्लीव राउंड आया था तो 14 इंच में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आपका आएगा उतने पर आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। हमारा 3.5 इंच पर यह मार्किंग आएगी तो इस तरीके से हम इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 3.5 इंच पर हमें गोलाई में घुमाते हुए इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है। दूसरे कॉर्नर तक हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे फिर सभी मार्किंग्स को आपस में मिला देंगे। इसके बाद में हमें अपनी फ्रिल की लेंथ को मार्क करना है तो लेंथ को भी हम कॉर्नर से ही मार्क करेंगे। हमने 6 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया था अब ये जितना भी हमारा आया है उसे इंच टेप को कॉर्नर से इस तरीके से घुमाते हुए हमें दूसरी साइड तक मार्किंग करते जाना है। पहले हम इस तरीके से पॉइंट्स में मार्क करते जाएंगे उसके बाद में जितनी भी हमारी मार्किंग्स आएगी सभी मार्किंग्स को हम आपस में मिलाते हुए एक सर्कल इसमें भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सभी मार्किंग्स को मिला लेंगे। हमने इसमें पहले ही मार्क कर लिया था अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाली मार्किंग को भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी दोनों स्लीव्स की फ्रिल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। एक स्लीव में हमारा ये हाफ सर्कल कट हुआ है और दूसरा सर्कल हमारी दूसरी स्लीव्स में अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स की फ्रिल को कट किया है अब हमें इसे अपनी स्लीव्स में अटैच करना है तो इस तरीके से ये आपकी स्लीव्स में अटैच होगी। पहले आपने जो भी स्लीव्स के लिए फ्रिल कट की है इसके नीचे वाले पार्ट में आपको पीको करके इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद में हम इसे अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से हम अपनी फ्रिल को स्लीव में अटैच करेंगे तो इस तरीके से आपको अपनी स्लीव के साथ में इसे रखना है और कॉर्नर पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसे हमें अपनी स्लीव के साथ में फ्रिल को अटैच करना है। अब हमने जिस तरीके से हमारी सिंपल वाली स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ अटैच किया था उसी तरीके से इस स्लीव को भी हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो हम सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने एक साइड अपनी कुर्ती में फ्रिल वाली स्लीव्स को अटैच करना आपको बताया है और दूसरी तरफ मैंने आपको सिंपल स्लीव्स भी आपको किस तरीके से स्टिच करनी है ये भी बता दिया है। अब हमें इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी होगी। इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है अब आपको इसमें साइड फिटिंग देनी है। हमने अपनी स्लीव्स में जो फ्रिल लगा कर तैयार की है इसमें हमने पीको भी कर लिया है अब आपको इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो आपको अपनी जो कुर्ती है उसे उल्टी साइड में रखना है। इस तरीके से हम इसे उल्टी साइड में रखेंगे और जितना भी आपने मार्जिन लिया था उतने मार्जिन पर आपको इसे निशान लगा देना है। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया था तो इस तरीके से 1.5 इंच हम मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये जो हमारी 1.5 इंच की मार्किंग है इसे हमें अपने हिप राउंड तक मिलाना है। तो इस तरीके से आप पूरी कुर्ती में 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच और इसे हमें ऊपर तक मिला देना है। इसके बाद में हम अपनी चेस्ट साइज से भी 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और इन सभी मार्किंग को आपस में मिलाते जाएंगे। पहले आपको अपने हिप राउंड कहाँ पर है आपको हिप लेंथ पर एक मार्क करना है। हिप लेंथ हमारी 21.5 इंच पर थी
तो यहाँ पर आपकी हिप लेंथ आएगी, यहाँ से आपको 1 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर हम 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए नीचे तक इसे लेकर आएंगे। सेंटर में भी हम एक 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इसे नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी मार्किंग की है उसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें मार्किंग कर लेनी है। हमें अपनी कुर्ती को इस तरीके से रखना है और आपकी जो हिप लेंथ की मार्किंग है इस तरीके से स्ट्रेट कर लेनी है। दूसरी साइड में भी आपकी ये मार्किंग आ जाएगी और आपको यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच पर मार्क कर देना है। ऊपर हम 1.5 इंच की मार्किंग लेंगे, इस तरीके से 1.5 इंच की मार्किंग लेते हुए नीचे तक हमें अपनी सभी मार्किंग्स को मिला देना है। अब हमें अपनी स्लीव्स में भी इसी तरीके से मार्किंग लेनी है। हमारे घेरे में भी हमने मार्जिन को ऐड किया था तो इसमें भी हम 1.5 इंच के मार्जिन पर एक निशान लगाएंगे। स्लीव राउंड पर भी हमें 1.5 इंच पर यहाँ नीचे वाली साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से आपस में मिला देना है। अब यहाँ भी हम बीच में एक बार 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और सभी मार्किंग्स को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। अब आपने जो अपनी फिटिंग की मार्किंग की है इस मार्किंग पर आपको स्टिचिंग कर लेनी है और ये स्टिचिंग करने के बाद हमें इसके चौक बनाने हैं। तो चौक बनाने से पहले आप अपनी कुर्ती को फिटिंग चेक कर लेंगे ताकि अगर आपकी कुर्ती में आपको लूज या टाइट करनी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले इसे कर लें, उसके बाद में ही हम इसके चौक बनाकर तैयार करेंगे। अब हम अपनी मार्किंग्स पर इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। बराबरी से फैब्रिक को मिलाते हुए आपको इसे स्टिचिंग करना है। आपका जो स्टिचिंग का मार्जिन है उसे आपको ऊपर की तरफ ही लेते हुए स्टिच कर। जहाँ पर हमारी हिप की लेंथ है वहाँ लॉक करनी है अपनी स्टिचिंग को। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमें स्टिच कर लेना है। अपनी कुर्ती की फिटिंग कर ली है, अब आपको मैं बताती हूँ। देखो, हमने इसमें फ्रंट पार्ट में टक्स लिया था तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट से इतना ज़्यादा छोटा हो गया है। हमने तो हमारे फैब्रिक का फुल लेंथ ले लिया था, बट अगर आप अपनी कुर्ती में टक्स लगाते हैं तो आपको इसीलिए आपका जो फ्रंट पार्ट होगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। ये हमारा 1.5 इंच जो है इसमें से माइनस हो गया है, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं अगर टक्स वाली कुर्ती बनाते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। बाद में आप अपनी कुर्ती की लेंथ को इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों हमारी जो फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों पल्ले हैं दोनों को हम इस तरीके से अब जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है उसे कट करके बराबर कर देंगे। अगर आप बिल्कुल लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसे लेंगे तो ये आपकी कुर्ती लेंथ में छोटी भी हो सकती है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर ली है, अब हमें इसमें चौक किस तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। ये हमारा हिप वाला मार्किंग है, मैं इसे अच्छी तरीके से एक बार डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। हमारी जो हिप की मार्किंग है वो यहाँ पर है, ये हमारी हिप की मार्किंग है। यहाँ तक हमने अपने चौक बनाकर तैयार किए हैं, तो आपको बस इस तरीके से आपकी जहाँ तक भी चौक बनकर आई है अपने जो ये पल्ले हैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है। आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा लें, प्रेस लगाने से आपके ये प्रॉपर सेट हो जाएंगे। इस तरीके से हम इन पर प्रेस लगाएंगे। दूसरी साइड में भी आपको इसी तरीके से एक बाहर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरे को आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेना है। इसके बाद में नीचे से भी हम इसे इस तरीके से 1/2 इंच करके फोल्ड कर देंगे। पहले हमें साइड की हमें कट बनाने होंगे, इसीलिए पहले हम साइड के कट बनाकर तैयार कर लेते हैं। को इस तरीके से फोल्ड कर इस पर प्रेस लगाएंगे।
इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। जितना भी आपने मार्जिन लिया था उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड करें और इसके ऊपर एक प्रेस लगा लें ताकि हमारा ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब जो दूसरी वाला दूसरा पार्ट है उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। ये आपकी जो हिप की मार्किंग है वहां से आपको इस तरीके से करना है। परफेक्ट हमारा ये सेट हो जाएगा, इसे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से प्रेस लगाएंगे। ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और प्रेस लगा लेंगे। इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद जो हमने फोल्ड किया है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके डबल फोल्ड हमारा ये हो जाएगा और इस पर हमें कॉर्नर पर सिलाई लगाकर इसके चौक तैयार करने हैं। अब हमने इसे जिस तरीके से प्रेस लगाई थी इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच करेंगे। हमें फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। जहां हमारी हिप की स्टिचिंग है वहां तक हमें इसे स्टिच करना है। इसके बाद में यहां से हम इस तरीके से हाफ इंच सिर्फ ऊपर लेकर आएंगे। अब जहां पर हमने मार्किंग की है वहां पर हमें सुई को अंदर की तरफ रखना है और हमें इस तरीके से अपनी कुर्ती को पलटा लेना है। पलटाने के बाद में इसे दूसरी साइड से भी हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पहले हमें थोड़ी सी आगे तक सिलाई लेकर आनी है। इसके बाद में हमें इसे वापस दूसरी साइड में पलटा लेना है। अब यहां से भी हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। इस तरीके से हमारे ये कट बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाते हैं और परफेक्टली फिनिशिंग के साथ। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमारे ये कट बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी इन्हें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करेंगे फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो आपको हाफ इंच ऊपर तक स्टिच करते हुए लाना है पहले, फिर आपको जहाँ पर आपकी मार्किंग है वहाँ पर सुई को अंदर की तरफ रखना है और इस तरीके से इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद में जो सामने वाली मार्किंग हमारी आई है उसे भी हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और स्टिचिंग कर इसे इस तरीके से पलटा लेंगे और नीचे तक स्टिचिंग कर देंगे। अब हमें इसके नीचे से भी कट को फोल्ड कर देना है। तो हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया था तो हाफ हाफ इंच करके 2 बार इसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने इसे नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। दूसरे पार्ट को भी हमें नीचे वाली साइड से इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमने अपनी बोटनेक कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। आपको इसकी फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा यह नेक बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस नेक को नीचे तक रखना चाहें तो थोड़ा सा आप इसे लेंथ में भी बढ़ा सकते हैं और अगर आप इसे ब्रॉड रखना चाहते हैं तो ब्रॉड भी कर सकते हैं। शोल्डर्स आपको जितनी पट्टी शोल्डर्स की रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये बैक नेक भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है। हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग में है। आर्म होल के यहाँ से भी हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट है। स्लीव्स हमारी बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है और इस तरीके से साइड में भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हुआ है। बैक साइड में भी कोई क्रीज नहीं है। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नेक को अगर आप थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहें तो आप अपने शोल्डर्स को कम करके इसे चौड़ा भी कर सकते हैं।
जितना आपको अपने नेक को ब्रॉड लेना है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।